तीन ऐसा सीड जो आपके स्किन को फिर से जवान बना सकता है। ये आपके स्किन का रिंकल को मिटा सकता है, ये आपकी स्किन को टाइट बना सकता है, ये आपकी स्किन को ग्लो दिला सकता है। यानी फ्रेंड्स, किचन में छुपा रहता है हम लोग का जवान होने का राज। ये तीनों सीड फ्रेंड्स सभी के किचन रूम में रहता है। ऐसा सीड में बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे इस्तेमाल करना बहुत इजी है। और ये फ्रेंड्स महंगा महंगा पार्लर का ट्रीटमेंट या मेडिसिन आप जो लेते हो, या फ्रेंड्स जो महंगा महंगा क्रीम या फेस पैक लगाते हो, उन सभी से सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको ना ही खर्चा करना है और ना ही फ्रेंड्स ज़्यादा बहुत टाइम देना है। ये बहुत इजीली बन भी जाता है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हो, तो है ना फ्रेंड्स फायदेदायक चीज़। तो आज का ये रामबन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सीट के बारे में जरूर देखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ बेल बटन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं वो भी आप देख पाओ, उसका फ़ायदा ले पाओ। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर दो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना, तभी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कुछ भी आप मिस करते हो तो फ्रेंड्स आपको फुल टोटल 100% इसका बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। आप इसको सही ढंग से नहीं लगाओगे तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी को वेलकम कर लेती हूँ स्पेशल केयर वन सेल्फ में। मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला है, ये किचन रूम में मिलता है, ऐसा तीन सीड आपको चूज करना है। तो पहला जो आपको लेना है वो है चिया सीड। चिया सीड फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन में ग्लो लाने के लिए। जो ग्लो आपके खो गए हैं वो रिटर्न ये ग्लो आपके फेस में ला देता है। और फ्रेंड्स ये आपके स्किन का रिंकल को मिटाता है, स्किन को टाइट बनाता है, स्किन में जवानी झलक के आता है, यूथफुल ग्लो आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको लेना है एक चम्मच चिया सीड। इसको फ्रेंड्स आपको आधा कप पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के रखना है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको और एक चीज लेना है, वो है मेथी यानी फेनुग्रीक सीड एक चम्मच लेना है। ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है। मेथी फ्रेंड्स आपके स्किन में ग्लो लाता है, स्किन का रिंकल को मिटाता है, स्किन में आपके पिंपल या कोई भी किस्म का रैशेस को आने नहीं देता है। ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, ये आपके स्किन को फिर से टाइट बनाता है, मतलब एजिंग का जो भी परेशानी है सबको ये मिटाता है और फिर से आपकी स्किन को जवान बनाता है। इसको भी आपको आधा कप पानी में भिगो के रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। अभी और एक चीज आपको लेना है, ये 10-15 मिनट भीग जब जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एक बर्तन में एक कप पानी लेना है और एक कप पानी को चूल्हे में बैठाना है और उसमें आपको एक चम्मच फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज जोड़ना है। फ्रेंड्स अलसी का बीज यानी फ्लैक्स सीड आपके स्किन को फिर से जवान बनाता है। जो जो मैंने बोला है पहले एजिंग का लक्षण है, उन सभी लक्षण को ये क्योर करता है। ये रिंकल को मिटाने में भी हेल्प करता है, स्किन में ग्लो भी लाता है, स्किन को टाइट भी बनाता है, स्किन का दाग धब्बे को भी मिटाता है, तो सब कुछ फायदा ये दिलाता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो एक चम्मच आपको इस पानी में फ्लैक्स सीड जोड़ना है और इसे फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट उबाल जब आएगा उसके तुरंत बाद आप जो भिगो के रखे थे चिया सीड और मेथी, ये दोनों को ही पानी के साथ इसमें डाल देना है। और इसे डालने के बाद और भी थोड़ा वक्त इसके उबालना है, थोड़ा वक्त यानी 2-3 मिनट और भी उबालना है, देखना है पानी स्लीपी हो रहा है क्या नहीं। पानी जब जेल की तरह बन जाएगा तब आपको तुरंत ही गर्म रहते ही इस पानी को छान के सीप को अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। अभी पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स ये जो दोनों चीज निकला है, ये दोनों को यानी ये जो पानी निकला है जेल जैसा, इसे आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हो और जो सीड निकला है इससे भी आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों का कैसे आपको इस्तेमाल करना है, दोनों ही एंटी एजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मैं दो दो टिप्स आपको दिलाऊंगी। तो फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, ये जो जेल है ये जब ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स इसमें आप मिल्क लो
जो आप यहाँ पे पाउडर मिल्क भी ले सकते हो, जो हम लोग चाय बनाने के लिए खाते हैं, ये पाउडर मिल्क काओ मिल्क भी हो सकता है, कोई भी मिल्क आप इसमें जोड़ सकते हो। या घर पे नहीं है पाउडर मिल्क, आप रॉ मिल्क इस्तेमाल करते हो, तो फ्रेंड्स रॉ या बॉयल कोई भी मिल्क इसमें 2 चम्मच जोड़ दो। नेक्स्ट इसमें आपको जोड़ना है, इस जेल में आपको जोड़ना है आधा केला, पक्का हुआ आधा केला, उसे अच्छे से स्मैश करो और उसके बाद इसमें ऐड करो। और एक चीज आपको इसमें जोड़ना है, वो है फ्रेंड्स 1 चुटकी हल्दी। हल्दी फ्रेंड्स आपकी स्किन को ब्राइटनेस दिलाएगा, आपकी स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा और मिल्क फ्रेंड्स आपके स्किन में फेयरनेस लाएगा, क्योंकि मिल्क में रहता है स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन को फेयर बनाने के लिए हेल्प करेगा, स्किन को ब्राइट बनाएगा, स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा। अभी क्या करना है, इन सभी को लेके एक बार ग्राइंडर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ये जो बना है इसे आप फुल फेस में, नेक में, सभी जगह पे लगा के थोड़ा देर नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के मालिश लो। 2 से 3 मिनट अच्छे से मालिश करो, गोल गोल घुमा के या नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के आपको मालिश लेना है। और उसके बाद इसे ऐसे छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। याद रखिए 1 घंटा इसे आप जरूर अपने फेस में रखें। ये फ्रेंड्स लगाते ही जब आप लगा लोगे और उसके बाद जब रख दोगे तब देखोगे आपके स्किन टाइट हो रहे हैं और आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप जब धो लोगे तब देख पाओगे आपके स्किन का रिंकल बहुत हल्का हो चुका है, आपके स्किन में ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन टाइट बन चुका है, आपके स्किन का दाग धब्बे भी हल्का लगेगा। और इसे लगाने के बाद मुझे लगता नहीं है आपको अलग से कोई क्रीम वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर रहता है जो इंस्टेंट आपके स्किन का रिंकल को मिटा देता है, तो इतना ग्लो ला देता है कि आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगता नहीं है। फिर भी आपको लगेगा तो फ्रेंड्स आप कोई मॉइस्चराइजर इसके धोने के बाद लगा सकते हो। और फ्रेंड्स इसे आप हफ्ते में, पहला हफ्ता जिनके स्किन में बहुत ज़्यादा रिंकल आ चुका है, स्किन ढीले हो चुके हैं, ग्लो हो गए हैं, वो इसे लगातार 1 हफ्ता जरूर करो। इसे आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में और इसे आप 3 से 4 दिन रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर 3 से 4 दिन जब अभी ख़त्म हो जाएगा तब फिर से बना लो, फ्रीज में रखो, ठंडा ठंडा इस्तेमाल करोगे तो इसका फ़ायदा आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट जो आपको जेल मिला है, इसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो सीड मिला है जिसको आपको छान के आपको मिल जाए उसे आपको फेंकना नहीं है, वो भी बहुत ही फ़ायदेदायक है। इसे भी आप ग्राइंडर में अच्छे से पीस लो। इसे पीसने के बाद इसमें 1 चम्मच आप दही ऐड करो, खट्टा दही जो हम लोग खाते हैं उसे आपको इसमें ऐड करना है। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक फेस पैक की तरह आप इस्तेमाल करो। फेस पैक को भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के अप्लाई करना है, आपको चारों तरफ होंठ में नहीं अप्लाई करना है। ये फेस पैक भी फ्रेंड्स जिनके फेस में बहुत ज़्यादा स्किन लूज हो गए हैं या स्किन में झुरियाँ आ चुका है या फ्रेंड्स जिनके फेस में उम्र बढ़ने का बहुत सारा दाग धब्बा आ चुका है, यानी फिकेस, ब्लेमिश, छाइया, पिगमेंटेशन, ऐसा वगैरह वगैरह दाग धब्बा देखा जा रहा है जिनके फेस में, उनके लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है। और जिनके फेस में बहुत ज़्यादा दाग धब्बा है, मतलब 1-2 साल से ये दाग धब्बा मिट नहीं रहा है, उससे भी पुराना दाग धब्बा है, तो फ्रेंड्स इस फेस पैक में 1 चम्मच टमाटर का रस और 1 चम्मच लेमन का रस जरूर जोड़ना। जिनके दाग धब्बे बहुत पुराने हैं उनके लिए बोल रही हूँ, और जिनके थोड़ा बहुत दाग धब्बे हैं वो इसके बिना भी इसे सिर्फ दही के साथ मिक्स करके फेस पैक की जैसा लगा लो। और लगाने के बाद इसे फेस में लगा के कम से कम 1.5 से 1 घंटा रखो और उसके बाद धो लो। इसको आप हफ्ते में 3 दिन जरूर करो, क्योंकि हर हफ्ता जब भी आप ये जेल बनाओगे तब तो ये आपको मिल ही जाएगा, तो जब जिस दिन मिलता है उसी दिन से बना के लगा लो। ऐसे हफ्ते में 3 दिन जरूर करो, तो फ्रेंड्स आप देखोगे जब भी धोगे ना तभी आप देख पाओगे आपके स्किन बहुत टाइट हो चुके हैं पहले से, और आपके स्किन में एक ग्लो आ रहा है इंस्टेंटली, स्किन का रिंकल भी हल्का लगेगा, दाग धब्बे भी हल्का रहेगा। और इससे भी फ्रेंड्स आप रेगुलर फॉलो करोगे, ये दोनों को रेगुलर फॉलो करोगे जैसे मैंने बोला है, 1 हफ्ता पहले जेल लगाओ, जेल को जैसे मैंने बोला है पैक बना के ऐसे लगाओ, और ये हफ्ते में 3 दिन लगाओ, तो 1 हफ्ता कंटिन्यू ऐसे करोगे तो एक ही हफ्ते में देखोगे आपकी स्किन
पहले से बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, रिंकल हल्का हो चुका है, दाग धब्बा भी हल्का हो जाएगा। और उसके बाद से फ्रेंड्स आप इसे हफ्ते में 4 दिन जरूर करना, मतलब जेल को 4 दिन लगाना और इस फेस पैक को हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाना। तो फ्रेंड्स इसे ऐसे कंटिन्यू रखोगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन हर वक्त जवान बन ही रहेंगे। और ये फेस पैक फ्रेंड्स हर किसी के लिए है, 20 साल से लेके 70-80 ईयर तक वो हर कोई लगा सकता है, मैन एंड वुमेन हर कोई लगा सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये जो तीनों सीड के बारे में आप जाने हो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।